दीवाना हुआ, पागल हुआ, दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी, हो चुरा मेरा, गुड़िया चली, चुरा के दिल मेरा, गुड़िया चली, लैल कर ले भाई जाज के लगाऊं भी तीनों में एक एक चुरा के दिल मेरा और वे गोरिया चली। अच्छा जी क्या क्या चाहिए ताऊ? अरे बेटा मुझको ये बता स्कूल आने का टाइम क्या होवे? ए 8 बजे ताऊ। 9 बजे? 9 बजे मैम नु कह रही 8 बजे है। अरे घड़ी में 9 बजे है। ओ हाँ अरे अपनी हवा ये वापस ले और निकल। अरे तू तो हम जाता हूँ सुबह से एक बीड़ी चासी ना तूने जो हमारी बीवी बन के ताने मार रही है। काम कर जे पकड़ और रास्ता साफ कर। चल बे योगाड़ी वित्तल लगा। ये छोरो इस बार तो बच गए। अगली बार ना मानूंगा बेरी से। अगली बार एडवांस की डब्बी चाहिए। हाँ ठीक है। दत्त तेरी की इस बार भी चूना लगा गए साले। अबे भाई यार मेरा पेट तो तब खाली होता है जब मैं हिंदी पर हल्का होता हूँ। हाँ भाई सही बात कर रहा है यार। इंग्लिश में ना पैशन नहीं बनता, कब्जी हो जाती है। ओ भाई तुम दोनों यहाँ बस हकते ही रह जाना। वहाँ देखो बाजी तो कोई और ही मार रहा है। लेकिन एक मिनट ये कौन है जो प्रीति के साथ बैठ के मैथ का सम सॉल्व कर रहा है चिपक के? मैथ नहीं बे फिजिक्स कर रहा है। फिजिक्स में मैथ आता? अबे जब से तेरी अंग्रेजी शौचालय का जन्म नहीं हुआ बस सारा दिन हगास की बातें करते रहते हो लेकिन ये नहीं पता कि फिजिक्स में भी मैथ्स होता है। अबे ओ भाई ये कहाँ जा रहा है? ओह नो देखा कितना आसान था इसका हल। हाँ ये तो बहुत आसानी से हो गया और मैं बेकार में ही कल रात में इतना परेशान हुई थी। और क्या चल रहा है? यार अनिल तुझे पता है संदीप कितना स्मार्ट है? जो क्वेश्चन मुझसे 3 दिन से नहीं हो रहा था वो इसने 5 मिनट में कर दिया। अरे मैं तो जस्ट तुम्हारा भला कर रहा था प्रीति। अच्छा भला कर रहा था। मुझे भी ना कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे तो तुम प्रीति तुम ऐसा करो क्लास में चलो और मैं कुछ भला करवा लेता हूँ अपना और अपने दोस्तों का। हाँ करा लो भला जितना हो सके उतना करा लो। और संदीप तुम ना मदद कर देना मेरे बॉयफ्रेंड और उसके नादान दोस्तों की। एक मिनट प्रीति बॉयफ्रेंड दोस्त? हाँ बॉयफ्रेंड दोस्त दोस्त बॉयफ्रेंड। हाँ अब हम तेरा भला करते हैं। पहले क्यों नहीं बताई क्या मारा मेरा पूरा ही बुला कर।
ओए नीचे बैठ तू, नोटा देना पड़ेगा और मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रिंसिपल सर राउंड पर है और बहुत गर्म मूड में है। किसी ने तुम्हारी खबर दी है कि पूरी क्लास फोन लाती है और तो बस यही आ रहे हैं वो। सर लेकिन ये खबर आपको दी किसने है? अरे मुझे तो लग रहा है ये पीटीआई झूठ बोल रहा है। भाई एक काम कर, ये अपना फोन प्रिंसिपल को ही दिया, वो ट्रॉफी और झापड़ तेरे साथ ही देंगे। सर आप डराओ तो मत, अब हमें ये बताओ हम अपना फोन बचाए कैसे? अब करें ना दिमाग वाली बात, जो जो बच्चा मेरे पे यकीन करता है वो अपना फोन मेरे बैग में डाल दो। और प्रिंसिपल तो क्या, प्रिंसिपल का बाप नहीं देख पाएगा यार। लेकिन हम इन पर ट्रस्ट करें या नहीं? तेरे पास और कोई ऑप्शन है? क्या करें यार, दे दे क्या यार, इंट्यूशन आ रही है, दे ही देते हैं। हाँ यार दे देते हैं, जो होगा आगे देखा जाएगा। चल सही कह रही है, दे देंगे। जो जो बच्चे फोन लेके आए ना वो फोन यहाँ रख दो, अगर मैंने चेकिंग करा दी ना तो इस बार बेटा तुम सब लंबा जाओगे। सर हमारे पास नहीं है कोई स्मार्टफोन, हम तो बहुत संस्कारी बच्चे हैं, हम नहीं लाते स्कूल में फोन। मेरे घर पे तो अभी भी लैंडलाइन है। और मेरे घर पे अभी भी टेलीफोन है। टेलीफोन एक बात बता, दोनों में फर्क क्या है? यार दाल में कुछ काला लग रहा है, तू ना अलर्ट रहियो, होशियार रहियो। ओके ठीक है। हाँ वही बोल रहे। तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे? ठीक है सर, बच्चे सही कह रहे हैं, इनके पास कोई फोन नहीं है, इनके फोन तो मेरे पास है। बस आप जल्द से मेरा प्रमोशन कर दो। बेस सर जरूर करेंगे तुम्हारा प्रमोशन। जा चुका है चैन सारा, जा चुकी है हर खुशी। चल बेटा अपना फोन ले और अपने पापा को फोन लगा। सर पापा को कॉल मत लगाना, पापा तो दस्त लगे हैं। तो उन्हें दस्त है तो फोन से क्या लेना देना यार। सर आप कॉल करेंगे तो पापा का फोन बाहर बसता ही रहेगा, पापा वॉशरूम में ही रहेंगे, आप ही बताओ उनकी जगह आप रहोगे तो क्या करोगे? बेटा तुम्हारी बहानेबाजी खत्म हो गई हो ना, तो ये फोन ले और उन्हें फोन मिला के दे मेरे को। हाँ जी आप सिन्हा के पापा बात कर रहे हैं? सर जी आपका जियो का रिचार्ज खत्म हो गया है क्या, जो आप मेरे बेटी के फोन से कॉल कर रहे हो? अरे पापा जी आपकी परी स्कूल में फोन लाती है, इसीलिए तो मैंने उसके फोन से आपको कॉल किया है कि ये साबित करने के लिए कि वो फोन लाती है स्कूल में। ओह सॉरी सर, अगली बार से याद रखूंगा, माफ कर दो इस बार। ठीक है सर। अरे यार ये प्रिंसिपल कितना गधा आदमी है, मेरी आवाज ही पहचान नहीं पाया, इसकी घुटनों में बुद्धि है। अच्छा बेटे पागल है क्या, ऐसे कौन करता है? यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये सब कभी बंद नहीं होने वाला। नहीं यार रहने दे, मुझे ना वाइफ सही नहीं आ रही। ओए बंटी एंड ग्रुप इधर आओ। बालू मैं बल्लू, मेरी एक टांग नकली है और मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, लेकिन एक दिन भाई को किसी बात पे गुस्सा है और उसे हॉकी से मेरी टांग तोड़ दी। लेकिन भाई दिल के बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेके गए और मेरा इलाज कराया। आज मैं तुम्हारे सामने फिट एंड फाइन खड़ा हूँ। वैसे बल्लू भैया आपको देख कर लगता नहीं कि आप फिट एंड फाइन हैं, शायद बंटी भैया ने आपका इलाज आधे में ही छुड़वा दिया था। खामोश।
अपमान, घोर अपमान। बल्लू मेरा उठ रहा है। भाई आपका जो भी उठ रहा है उसे बिठा लो, बेइज्जती तो हो ही गई। बल्लू बंटी तू अपनी एडवर्टाइजमेंट कर ले या हमारी प्रॉब्लम सुन ले, तेरी एडवर्टाइजमेंट से बड़ी हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन तू एक अच्छा इंसान है, बेशक पूरा स्कूल तेरे पीठ पीछे तुझे चूते आनंदन कहता है, पर है तो तू अच्छा इंसान। इट्स ओके, टेल योर प्रॉब्लम। ये गलत है भाई, ये बहुत गलत है। हम भी बुरे हैं, गंदे हैं, नीच हैं, कुत्ते हैं, कमीने हैं, लेकिन ऐसा काम हम लोग कभी नहीं किया। बेटी। हाँ जी दादाजी। यू डोंट टेक एनी टेंशन, आई विल फाइट फॉर यू एंड मेक देम बरी इन द लैंड, आई विल गेट यू बैक द प्राइड लाइफ अगेन, इट्स बंटी कमिटमेंट। हम माफी चाहते हैं, हमने लड़कियों के साथ बहुत गलत किया है। हमारी वजह से जो भी लड़कियों को सहना पड़ा उसके लिए बंटी भाई ने हमें अच्छे से समझा दिया है। और हाँ, बंटी भाई ने एक स्कूल में नया रूल चालू किया है, अगर कोई लड़की को छेड़ेगा तो उसकी टांगों को तोड़ दिया जाएगा। सॉरी सिस्टर। सॉरी सिस्टर। सॉरी सिस्टर। If you are bad,
देन आई एम योर डैड।